الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक हिकायत लिखी है और हिकायत क्या लिखते थे, बहुत बड़ा उसमें पैगाम पोशीदा हुआ करता था, सबक आमोज हिकायत हुआ करती थी। फरमाने लगे एक बूढ़ा आदमी कमर झुकाया हुआ, सर के बाल सफ़ेद हैं, लाठी उठाई हुई है, बिनाई कमज़ोर है, कुछ चीज़ बाहर तलाश कर रहे। तलाश करते करते जब देर हो गई तो एक नौजवान साथ हो लिया, बड़े मियाँ क्या गुमा है? कहने लगा हीरा गुमा है, उसकी तलाश में निकला। वो भी खैरखाई में साथ हो लिए, ताउन मदद। जब बहुत देर हो गई तो नौजवान ने पूछ लिया, बड़े मियाँ ये हीरा गुमा कहाँ है? क्या बेटे, गुमा तो घर के अंदर था लेकिन वहाँ अंधेरा बहुत है, बाहर रोशनी है, इसलिए यहाँ तलाश कर रहा हूँ। बज़ाहिर तो एक लतीफ़ा सा लगता है और ये ख्याल आता है कि बड़े मियाँ सट आ गए होंगे उम्र की वजह से, बुढ़ापा उसके असरात होंगे कि अंदर की चीज बाहर तलाश कर रहे हैं, कहां मिलने को मिलना है, कहां से मिलेगी वो चीज। लेकिन आज अगर दुनिया के स्टेज पे देखें तो यही तो मंजर नजर आ रहा है। जो चीज इंसान के अंदर खो गई है, दुनिया उसे बाहर तलाश कर रही है। जो चीज अंदर गुम हो गई है उसे दुनिया आज बाहर तलाश कर रही है। इत्मीनान और सलामती तो अंदर से गुम हुई है और दुनिया इसे बाहर तलाश कर रही है, क्योंकि अंदर जब झांकता है तो अंधेरा बहुत है ना, नजर कुछ नहीं आता, इसलिए बाहर रोशनी बहुत है, बाहर तलाश करता है, करता रहे तलाश कोई नहीं मिलना। ये बात भी समझ में आ जाए ना कि बाहर का जितना बिगाड़ है ये नतीजा है अंदर की खराबी का, ये बात भी समझ में आता है। बड़ी बात कि जितना बाहर ये बिगाड़ है ये नतीजा है अंदर की खराबी का, लेकिन उधर कोई झांकता ही नहीं है, अंधेरा जो बहुत। सभी उस बाहर के बिगाड़ को खत्म करना चाहते हैं, कैसे खत्म हो? जो चीज वहां है ही नहीं, बाहर कैसे मिलेगी? बिगड़े हुए इंसानों से क्या माशरा अच्छा हो सकता है? बिगड़ी हुई लोगों से क्या घर अच्छा हो सकता है? तो खराबी तो अंदर है, इंसान का मन खराब हो गया, इंसान के अंदर खराबी आ गई है। यहाँ हिरस आ गया, यहाँ हवस आ गई ना, यहाँ लालच आ गई ना, यहाँ माल परस्ती है ना, यहाँ जाह परस्ती है ना, ये अंदर का जज्बा है ना, इक्तदार की पूजा है ना, ओहदों की पूजा है, मफादात की पूजा है, अंदर बिगाड़ है ना। बाहर तो उसका रिएक्शन नजर आ रहा, बाहर तो उसके नतायज बद नजर आ रहे हैं,
बिगाड़ तो अंदर है। तो बड़े मियां के बारे में तो शायद हम कह देंगे उम्र का तकाजा है, अंदर की चीज घूमी बाहर तलाश कर रहा है। मंतिक भी अजीब है कि बाहर रोशनी अंदर अंधेरा है। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है, हर शख्स सतही असबाब और जाहरी असबाब की तरफ तो नजर रखता है कि यूं हो गया इसकी वजह से हो गया, लेकिन वो जो बुनियादी सबब है और हकीकी सबब है उसकी तरफ तो किसी की नजर जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, समझ बूझ ऐसी कि अल्लाह के बाद कोई हस्ती समझ बूझ वाली तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, इल्म ऐसा कि अल्लाह के बाद किसी हस्ती के पास है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बिगड़ी हुई दुनिया में जब कदम रखा तो इस्लाह का और तामीर का और तरक्की का पहला कदम कहां से शुरू किया, इंसान का अंदर ठीक हो जाए, इंसान का अंदर मन ठीक हो जाए, अंदर ठीक हो जाए। और जब ये बिगड़े हुए इंसान अंदर से ठीक हो गए, सुभान अल्लाह, हर चीज ठीक होती चली गई। घर ठीक होता चला गया, माशरा ठीक होता चला गया, जिसके पास जो शोभा जो एक जिम्मेदारियां थी सब ठीक होते चले गए। इंसान जो ठीक बैठा है, इंसान जो ठीक है, उसने हर चीज की तामीर शुरू कर दी। और बिगड़ा हुआ इंसान जहां बैठेगा बनी हुई तामीर को तखरीब में बदल देगा। बिगड़ा हुआ इंसान जो है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तामीर चाही, सलाह चाही, फलाह चाही, कामयाबी के कदम रास्ते पे डालना चाहा, तो इंसान के अंदर की तरफ तवज्जो दी, ये अंदर ठीक हो जाए ना। और सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम ने फरमाया जब अंदर ये सही होता है तो सबसे पहले अल्लाह इस दुनिया में जो इसको इनाम देता है ना, तत्मईनुल कुलूब, ये बड़ा मुतमईन हो जाता है। जब इसका अंदर ठीक हो जाता है तो सबसे पहले जो इनाम मिलता है इस दुनिया में, तत्मईनुल कुलूब, इत्मीनान बहुत हो जाता है। आज खौफ अजाब बन के एक मुसल्लत है। और कुरान ने हमें बताया है ये खौफ उस कौम पे मुसल्लत होता है, ये खौफ उस कौम पे मुसल्लत होता है जो अल्लाह की नाफरमानी में हद कर देती है। ये अल्लाह की तरफ से अजाब होता है। और इत्मीनान ये अल्लाह की तरफ से वो इनाम है जो अल्लाह हर उस शख्स को अता फरमाता है जो अपने अंदर से अल्लाह का बन जाए, जो अपने बातिन से अल्लाह का बन जाए। इस दुनिया में उसका, इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से उसे एक इनाम मिलता है, इत्मीनान। ला खौफुन अलैहि, इन पे खौफ नहीं आएगा। लिबास अल-जुई वल खौफ, मैं अपने नाफरमान बंदे को खौफ का लिबास पहना दूंगा। खौफ ज़दा माशरा, खौफ ज़दा जिंदगी, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन कौन सबक ले, कौन इन हालात से इबरत पकड़े, कौन अल्लाह की तरफ रुजू करे। जहरी सतही असबाब की तरफ सब तबसरे, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू कितना, तो खौफ तो बढ़ेगा, खौफ तो बढ़ता चला जाएगा। खौफ से निकलने का आसान रास्ता कहते हैं कहीं और चले जाएंगे, और जहां और जाने की बातें करते हैं वहां खौफ यहां से भी ज्यादा है।
वहां डिप्रेशन यहां से ज्यादा है, वहां खुदकुशियां यहां से ज्यादा है, वहां घरों का टूट फूट यहां से ज्यादा है, वहां नफसियाती मरीज यहां से ज्यादा है। लेकिन चूंकि जिंदगी खौफ में आ गई, खौफ ज्यादा जिंदगी, लिबास अल-जुई वल खौफ, खौफ का हम लिबास पहना दें और अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज दुनिया में यह खौफ का अजाब मुसल्लत है, आज दुनिया में ये खौफ का लिबास मुसल्लत है और अल्लाह ने बताया ये मैंने ऐसे नहीं भेजा। बिमा कानू यसनाऊ, जो किया है आज उसे काट रहे हैं, जो बोग है ना भाई उसका नतीजा आएगा। बिमा कानू यसनाऊ, जो किया है उसका नतीजा है। और जब अंदर, यहां अंदर से सलाह हो जा इंसान, कहते ना मछली सर की तरफ से सड़ती है और इंसान भी अंदर से सड़ता है, जैसे मछली तो सर की तरफ से सड़ती है, इंसान भी अंदर से सड़ता है, दिल गंदा हो जाता है, दिल स्याह हो जाता है, यहां गंदगी आती है। फिर जाहिरी दुनिया में तो उसका रिएक्शन होता है ना, खराबी यहां है। और फरमाया जिसने अपनी खराबी यहां से दूर कर दी, तत्मइन्नुल कुलूब, इस दुनिया में अल्लाह का इनाम होगा, इत्मीनान, सुभान अल्लाह, इत्मीनान। वो मुतमइन रहेगा। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अजब अल्ली अमर मुमिन इदा असाब सर शकर फकान खैर अल्लाह वइन असाब दर सबर फकान खैर अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मोमिन का मामला तो वैसे ही अजीब है, इसका तो नुकसान नुकसान कोई नहीं, इसका तो घाटा घाटा कोई नहीं, अजब अल्ली अमर मुमिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ये मामला सिर्फ ईमान वाले का है, ये ईमान वाले का मामला। तत्मइन्नुल कुलूब अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम, ये ईमान वाले का मामला है। अजब अल्ली अम्रुल मोमिन, मोमिन का मामला अजीब है, इसका तो घाटा घाटा कोई नहीं, नुकसान नुकसान कोई नहीं, ये तो हर हाल में नफे में है, सुभान अल्लाह। अजब अल्ली अम्रुल मोमिन, फरमा इदा असाबहु सर्रा शकर फकान खैरन लहू, अल्लाह की तरफ से कोई अता मिली शुक्र कर रहा है तब भी इसकी कमाई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हिकमत से अपने इल्म से अपनी शान से कुछ ले भी लिया और ये कह रहा है अल्लाह ने लिया है, बंदों ने थोड़ी लिया है, उस पर सबर कर रहा। तो फरमाया इसका तो कोई घाटा कोई नहीं, ये तो हर हाल में कमाई में। अब बताइए जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान की ये हकीकत नसीब फरमा दे उसको कितना इत्मीनान नसीब होगा। जिसको ये ईमान की हकीकत मिल जाए कि नेमतों में शुक्र मिल जाए, अजमाइश में अल्लाह के फैसले पे रजा मिल जाए, बताइए उसकी जिंदगी कितनी मुतमईन होगी। तत्मइन्नुल कुलूब, तो हर हाल में मुतमईन, यहां तो न नेमतों वाला शुक्र कर रहा है न वो मुतमईन है और न जिस पे आजमाइश आई वो अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, दोनों ही खौफ में मुसल्लत मुब्तला है, खौफ ज़दा जिंदगी। तत्मइन्नुल कुलूब, मुतमईन दिल। ये अल्लाह इस दुनिया में इनाम अता फरमाते हैं जब ये अंदर का इंसान ठीक हो जाए, ये अंदर की इंसानियत हरी भरी हो जाए, जिस्म से रूह निकल जाए ना तो उसका वजूद खतरे में हो जाता है, उसका वजूद खतरे में, आजा जवारे सब बिखर जाते, उसका वजूद खतरे में, रूह निकल गई। सच अर्ज कर रहा हूं अल्लाह की जात पे सही यकीन, अल्लाह से सही ताल्लुक,
ये इंसानी जिंदगी की रूह है, अगर किसी घर से किसी जिंदगी से निकल जाए वो पूरा माशरा इंतशार का शिकार हो जाएगा। ये अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह की जात पे सही ईमान, ये इंसानी जिंदगी की हकीकी रूह है, ये निकल जाए सब टूट फूट हो जाएगा। हर तरफ अफरा तफरी, नफ्सा नफ्सी का आलम, रूह निकल गई। तो हर शख्स अपनी जिंदगी के अंदर ये दौलत ला सकता है, इत्मीनान मिल जाए। तत्मइन्नुल कुलूब الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم, इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फरमाने लगे, الاسلام بدا غريبا وسيعود كما بدا, इस्लाम जब शुरू में आया था गरीब था, मुसाफिर, कोई उसका पुरसान हाल नहीं था। وسيعود كما بدا, फिर आखिरी वक्त में ऐसा होगा इस्लाम फिर गरीब हो जाएगा, कोई उसका पुरसान हाल नहीं होगा। लेकिन फरमाया फतूबा लिल गुरबा, जब ये इस्लाम अजनबी हो जाए और फिर भी कोई उस पर कायम रहे, लेकिन नबी फरमाने के बड़े खुश नसीब है, बड़े खुश नसीब हैं, फतूबा लिल गुरबा। तो आज फिर वही दौर है, जबान का तो मुसलमान है लेकिन अकीदे के लिहाज से, यकीन के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, अमल के लिहाज से, सीरत के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से, गमी खुशी के लिहाज से, तिजारत ज़राअत लेन देन के लिहाज से, जबान का इस्लाम भी है, जबान का मुसलमान भी है, लेकिन किरदार का इस्लाम आज फिर गरीब है। किरदार और सीरत का इस्लाम आज फिर अजनबी है। बस यऊदु कमा बदा, फिर वो ये हाल होगा जो इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, कि इसका कोई किरदार का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो जब ये इस्लाम की रूह ही निकल जाए फिर भूल जाइए कि सुकून आ जाएगा, फिर भूल जाइए कि माशरे और जिंदगियों में इत्मीनान आएगा, फिर भूल जाइए कि जिंदगी में सलामती और अमन आ जाए। रूही न रही जिस पर अल्लाह की तरफ से सलामती मिलती है, अमन मिलता है, इत्मीनान मिलता है, मोहब्बतें मिलती है, तहफ्फुज़ नसीब होता है, वो रूह नहीं रही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने एक वक्त ऐसा आएगा इस्लाम की जिंदगी फिर अजनबी हो जाएगी। आज एक तरफ अल्लाह की तरफ से ये तंबीहात हैं, ये अपनी तरफ मुतवज्जे करने के अंदाज हैं, और दूसरी तरफ गफलत की इंतहा है। गुनाह तो कम नहीं हो रहे, अल्लाह की नाफरमानी तो कम नहीं हो रही, वो तो हर आए दिन अल्लाह की बगावत में इजाफा है, खुले आम अल्लाह की नाफरमानी है। बड़ी जरूरत है आज के हम मुसलमानों के अंदर भी कि मुकाबला भी करता है ये मुसलमान तो अल्लाह से करता है। मेरे घर में कोई मुझे नाराज करके आपका मुलाजिम सुकून से नहीं रह सकता, और कोई दुनिया के अंदर उस मालिक की दुनिया में उसे नाराज करके सुकून से रह जाएगा। बंदा तो अपनी दुकान और फैक्ट्री में अपने नाफरमान को अपने साथ रहना बर्दाश्त नहीं करता, और कोई मालिक की दुनिया के अंदर रहकर उससे बगावत करके फिर सुकून से रहेगा। ये सब ख्याल है, ये सब ख्याल है मेरे अजीजों। हकीकत वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताई है। अगर जिंदगी की सलामती चाहिए और जिंदगी का इत्मीनान चाहिए तो फिर अंदर टटोलिए, कहां क्या चीज खो गई अंदर, फिर अंदर झांकिए कहां कहां दिल पे दाग लगे हैं, उसका इजाला कीजिए, उसका इजाला कीजिए, और अपने मन में डूबकर
तलाश कीजिए जो चीज गुम हो चुकी है। और जब उस शख्स ने पा ली अपने अंदर की वो खराबी और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान वालों अगर तुमने ये तौबा कर ली और तौबा कर ली फिर तुम कामयाब हो जाओ, फिर तुम कामयाब हो जाओ। वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालों आओ अल्लाह की तरफ रुजू करो। यह है कामयाबी और फलाह का रास्ता, जब तुम्हारा बातिन सेहतमंद हो जाए और वहां अंदर की गंदगी खत्म हो जाए, तुम्हारे लिए फलाह और कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सभी को मुबारक जिंदगी नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।